अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। राजेंद्र नगर पुलिस की जानिब से 9 नवंबर और चिंतलमेट इलाकों का जायजा लिया। करीब 100 पुलिस वालों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इसका मकसद यही था कि इलेक्शन करीब है और किसी किस्म की भी पुलिस कहीं पर भी छोटा सा भी रिस्क नहीं ले सकती। यही वजह थी कि अवाम में डर और खौफ पैदा करें और उनको मालूम हो कि पुलिस आपके इलाके में है। यही वजह से पुलिस सारे इलाके में गश्त की। बाद असा SHO मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए। अब्दुल खालिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आने वाले इलेक्शन के माहौल में राजेंद्र नगर पुलिस अपनी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के साथ में लेके आज 9 नंबर एरिया में चिंतलपेट एक्सप्रेस वे के खाकिजा होटल 9 नंबर फ्लैग मार्च करा है। अभी 11 बजे शुरू करके अभी 12 बजे अभी खाकिजा होटल तक पहुँच के पेश करें। अपने आने वाले इलेक्शन इलेक्शन के लिए यहाँ पे 9 नंबर एरिया में थोड़ा वक्त ये क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है। लोगों को समझाने के लिए, लोगों को और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये फ्लैग मार्च यूज होता बोलते सीनियर ऑफिसर्स का टीम के हिसाब से हम आज ये तकरीबन 100 पुलिस मैन के लेके वहाँ से यहाँ तक पैदल आ चुका है। तो अभी तकलीफ को 9 नंबर एरिया में जो भी वोट डालने के लिए मेन इलेक्शन जो भी कम्युनिटी है आपका हिसाब से आप तरीका से आप वोटा जा सकते हैं। कोई भी फेंस के अंदर में जाने का जरूरत नहीं। पुलिस हर जगह पे तैयार होना चाह रही है इलेक्शन के लिए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, राजेंद्र नगर पुलिस के आराम से आने कम्प्लेट कर सकते हैं। पुलिस इंक्वायरी करने के लिए सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।